हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे क्लास में। मैं प्रियांशु कुमार लेकर आया हूँ मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का मैकेनिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज यह लेक्चर छठा है और मैंने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था, जैसे कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अच्छे से कवर कर चुका था। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे, क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग आज सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर दरअसल दो तरह के होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो दोस्तों, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में सीखेंगे, फिलहाल अभी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि किसी भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर हम गुना करें और उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है दोस्तों, जो एंगल बन रहा है उन दोनों के बीच में, उन्हें हम कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करें, तो उसी को दोस्तों हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए है यहाँ पर, एंड वेक्टर बी है यहाँ पर, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब दोस्तों ये वाला, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को अगर हम गुना करें अन जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो कॉस थीटा हो, तो हम उसी को कहते हैं दोस्तों स्केलर प्रोडक्ट। तो हम ये वाले डिफिनेशन से दोस्तों हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, और इससे अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाले तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का दोस्तों एक और डेफिनेशन यह होता है कि इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर इज बिकम स्केलर, देन इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन अगर स्केलर आता है तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसा कि दोस्तों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, वर्क इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है दोस्तों, तो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है दोस्तों, तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी से गुना हो रहा है और क्या आ जा रहा है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। तो ये हो गया दोस्तों आपको स्केलर प्रोडक्ट। एक और एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं, पावर। पावर बराबर क्या होता है दोस्तों, तो वर्क अपॉन टाइम, और वर्क बराबर क्या होता है दोस्तों, तो फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है दोस्तों, तो वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों को गुना किए तो कैसा आ गया, स्केलर क्वांटिटी आ गया। स्केलर क्वांटिटी पावर आ गया दोस्तों, जो पावर स्केलर क्वांटिटी है। कहने का मतलब इसमें भी वही है दोस्तों कि दो वेक्टर क्वांटिटी को गुना कर रहे हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, जिसके पावर कहते हैं। तो ये हो गया आपका दोस्तों स्केलर प्रोडक्ट। तो आई होप दोस्तों आपको स्केलर प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे यह है कि क्या हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को हम कम्युनिकेटिव कह सकते हैं। दोस्तों, स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा गया है कि क्या स्केलर प्रोडक्ट को हम कम्युनिकेटिव कह सकते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों यस, हम लोग बिल्कुल कम्युनिकेटिव कह सकते हैं इसे। अब कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, कम्युनिकेटिव का यही मतलब होता है कि अगर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी है, उसके बराबर होना चाहिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, सॉरी दोस्तों, ए अगर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी है तो उसके बराबर होना चाहिए वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। तो इसी कहता है दोस्तों कम्युनिकेटिव, और ये फॉलो होता है दोस्तों आपको उसी में स्केलर प्रोडक्ट में, ये फॉलो होता है। तो दोस्तों ये कैसे आया, तो मान लीजिए दोस्तों वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी है इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो मोड ए इंटू मोड बी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा दोस्तों। ये कॉस थीटा हो जाएगा इतना इसके बराबर। अब वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए बराबर क्या होगा दोस्तों, तो वेक्टर बी का मॉड होगा इंटू वेक्टर ए का मॉड होगा, और कॉस 360 माइनस थीटा होगा दोस्तों। ये कैसा आएगा 360 माइनस थीटा दोस्तों, तो यहां से देखिए, हम ए से बी जा रहे थे, तो ए से बी इस डायरेक्शन में जा रहे दोस्तों, देखिए इस डायरेक्शन में जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे। अब हमको आना है बी से, तो हम इसी डायरेक्शन में आएंगे कि हम ऐसे इसे घूम के इस डायरेक्शन में आएंगे ना। तो जब यहां से यहाँ जो थीटा है,
ये कितना हो जाएगा टोटल, 360 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं दोस्तों? तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा हूँ 360 माइनस थीटा। और हम लोग मैथ में पढ़े दोस्तों, 360 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये आप याद रखिएगा, 360 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से दोस्तों आपको आ गया मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, ये वाला सेम है ये वाला से कि नहीं? जब ये वाला सेम है दोस्तों ये वाला से, तो ये और ये तो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि यह स्केलर में फॉलो होता है। ये दोस्तों आपका क्लियर हो गया। अब कुछ स्पेशल केस है दोस्तों, वो भी देखते हैं। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री रहे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है मॉड इंटू मॉड बी। अगर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी रहे तो उसके बराबर होगा दोस्तों मॉड ए इंटू मॉड बी, अगर थीटा 0 रहे तब। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जब थीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 इसमें गुना हो जाएगा तो उतना का उतना ही रह जाएगा। अब दोस्तों सेकंड केस यह कहता है कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री रहे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर कितना होगा। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कोई भी वेक्टर में अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो उन दोनों वेक्टर का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो 0 होता है। आप याद रखिएगा। अब तीसरा दस में आते दोस्तों, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री है तो क्या होगा दोस्तों? तो आप याद रखिएगा कि अगर थीटा बराबर 180 डिग्री है तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है माइनस मोड ए इंटू बी। आप यहां से इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दोस्तों यह कहता है कि मान लीजिए ये आपका इस डायग्राम से आप समझिए, जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हूँ ये वाला से समझिए दोस्तों। इसमें दोस्तों 3 ठो वेक्टर होता है, इसमें से एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, और एक्स एक्सिस पर आई कैप है, वाई एक्सिस पर जे कैप है, और जेड एक्सिस पर के कैप है। और ये सब क्या है दोस्तों, आई जे के। तो ये सब एक आर यूनिट वेक्टर है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर है दोस्तों। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ जो कि मैंने पहले ही बताया हूँ। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है दोस्तों मोड ए इंटू मोड बी इंटू कॉस थीटा। और दोस्तों तो अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, कि आई और जे को अगर गुना करेंगे तो इन दोनों का वैल्यू कितना होगा। फिर दोस्तों हम जे और के को गुना करेंगे तब वैल्यू कितना आएगा। फिर दोस्तों अगर हम के और आई को गुना करेंगे तब कितना वैल्यू आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम फाइंड करते हैं। तो आप दोस्तों याद रखिएगा कि कोई भी दो वेक्टर को अगर हम गुना करें और उन दोनों के बीच का जो एंगल है दोस्तों वो 90 डिग्री हो, तो इन दोनों का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो 0 होता है। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, ये 9 0 होता है। तो दोस्तों आई और जे का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? तो ये बीच में देखिए एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 0। अब आप बताइए दोस्तों, ये जे और के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा? तो ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इन दोनों का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? तो 0 होगा। फिर बताइए दोस्तों, के और आई के बीच का एंगल कितना है? ये भी 90 डिग्री है। इन दोनों का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? ये भी 0 होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उसे हम उसका वैल्यू दोस्तों 0 होता है। ये दोस्तों आपको क्लियर हो गया कंप्लीट। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, आई और जे का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे दोस्तों। तो इसी फॉर्मूला से दोस्तों हम इसका भी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें आई का मोड कर देंगे, यहाँ पर भी आई का मोड कर देंगे, ये कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों कॉस 0 डिग्री कितना होगा, कैसे आएगा दोस्तों, यह सीखेंगे। तो दोस्तों किसी भी वेक्टर का खुद में ही कितना एंगल बनाएगा, तो वो खुद में ही 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसको हम 0 डिग्री का वैल्यू 0 यहाँ पर रख देंगे, और 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? तो 1 होता है कॉस में, तो इसको 1 कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों जे डॉट जे का भी 1 हो जाएगा दोस्तों, के डॉट के का भी 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आपको आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट जे तीनों का वैल्यू आपका निकल आया। आप सिंपल सा ये समरी आप याद रखिएगा कि अगर डिफरेंट रहा तो 0 होगा, अगर सेम रहा तो 1 होगा। आप ये समरी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है कुछ। अगर दोस्तों मान लीजिए आपको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया हुआ है और वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी पूछे, तो आप कैसे निकालिएगा? तो देखिए दोस्तों, आपको वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है इतना, एंड वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है इतना, तो आपको इससे इसमें गुना करना है, फिर इससे इसमें गुना करना है, फिर इससे इसमें गुना करना है, और फिर इससे इसमें गुना कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों देख सकते हैं, 4 से अगर हम 2 में गुना करेंगे तो 8, आई और आई हम पिछले वाले में क्या बताया दोस्तों, कि अगर सेम रहा तो 1 और डिफरेंट रहा तो 0। तो आई और आई क्या है दोस्तों? सेम है, आई आई है, सेम है, तो सेम है तो 1। अब दोस्तों ये 2 से 4 में गुना हो गया, अब 2 से हम 5 में गुना करेंगे, तो 5 × 2 तो हो जाएगा 10 दोस्तों, और आई और जे डिफरेंट है तो ये होगा 0। ऐसे ही दोस्तों ये
12 हो जाएगा या 15 हो जाएगा, और इन सबको हम सम करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसी को निकालने का एक तो और मेथड है दोस्तों, जो कि हम वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर है ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, हम चाहे तो ये फॉर्मूला से भी हम ए इंटू बी का वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। ए एक्स इसमें क्या है दोस्तों, ए एक्स है ये दो वाला को हम ए एक्स कहते हैं, बी एक्स क्या है दोस्तों तो बी एक्स ये फोर वाला को हम बी एक्स कहते हैं, ए वाई क्या है इसमें तो ए वाई हम थ्री वालों को ए वाई कह रहे हैं, बी वाई क्या है दोस्तों तो बी वाई फाइव वालों को बी वाई कह रहे हैं, और ए जेड बी जेड तो इसमें है ही नहीं दोस्तों, तो ये खत्म हो गया यहीं पर। तो ए एक्स इंटू बी एक्स, तो ए एक्स है फोर और बी एक्स है, ए एक्स है दोस्तों टू और बी एक्स है फोर, तो टू इंटू फोर यानी कि एट है। ए वाई इंटू बी वाई, ए वाई कितना है दोस्तों थ्री और बी वाई कितना है दोस्तों फाइव, तो थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन, आपको 15 प्लस 8 23, यहाँ से भी आपको आसानी से आंसर निकल आता है दोस्तों। तो ये आप दोनों मेथड आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये दोनों मेथड आगे काम देंगे दोस्तों। अब दोस्तों a इंटू बी आपको निकालना है, जो कि वेक्टर a बराबर वैल्यू दिया है इतना एंड वेक्टर b बराबर वैल्यू दिया है इतना, ये दोस्तों आपके लिए प्रश्न है, इसे आप सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है इतना एंड वेक्टर बी बराबर दिया है इतना और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो पूछ रहा कि अल्फा बराबर कितना। तो दोस्तों मैंने बताया हूं कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों वेक्टर का जो वैल्यू होता है दोस्तों वह जीरो होता है। तो वी नो डेट टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। और इसको हम ये वाला मेथड से हम पहले इसको इसको गुना कर लेंगे और फिर हम उसको इक्वल टू में जीरो लगा देंगे, तो हो जाएगा दोस्तों जैसे कि ए एक्स इंटू बी एक्स, तो ए एक्स ये है बी एक्स ये है, तो चार दून की आठ। अब ए वाई इंटू बी वाई, तो ए वाई कितना है दोस्तों थ्री और बी वाई कितना है माइनस फोर, तो यहाँ से गुना करेंगे दोस्तों माइनस ट्वेल्व आ जाएगा जैसा कि देख सकते हैं। अब दोस्तों बात रह गया ए जेड इंटू बी जेड, तो दोस्तों देख सकते हैं ए जेड कितना है एट और बी जेड कितना है अल्फा, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो एट अल्फा आ जाएगा, तो माइनस फोर प्लस एट अल्फा यहाँ से आ गया दोस्तों इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस फोर प्लस एट अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो एट अल्फा बराबर फोर, अल्फा बराबर वन बाई टू, ये आ गया दोस्तों आपको अल्फा का वैल्यू। अगर दोस्तों आपको वेक्टर ए बराबर दिया हुआ इतना एंड मोड ए पूछे तो आप कैसे निकालिएगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपको मोड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसके आगे का जो जो वैल्यू है दोस्तों उसको स्क्वायर कर लीजिए और उसको जोड़कर अंडर रूट कर दीजिए, उससे आपको निकल आएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर निकल आएगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस वन नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों माइनस टू होगा, और यहाँ पर आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा आगे, ये आंसर फिलहाल अभी गलत है लेकिन इसका आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। अगर इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एंगल फाइंड करना है वेक्टर ए इज इक्वल टू अगर इतना दिया हुआ है और वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तब इन दोनों का बीच का एंगल फाइंड करना है दोस्तों। तो मैंने एंगल फाइंड करने के लिए कॉस थीटा बराबर क्या बोले थे दोस्तों, कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मोड ए इंटू मॉड बी, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों यह लिखा हुआ है, ये वाले फार्मूला से आया है दोस्तों ये वाला, ठीक ना, ये वाले फार्मूला से ये वाला आया है। तो दोस्तों इसको हम फाइंड करने हमको क्या क्या चाहिए, पहले तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मल्टीप्लीकेशन वैल्यू चाहिए कितना आता है, तो इसको हम इधर साइड में देखिए दोस्तों, इसको हम साइड में इधर हम कर चुके हैं, तो इसका आया थ्री, आप ये कर लीजिएगा आपका भी तीन आएगा। अब हमको चाहिए मोड ए का वैल्यू एंड मोड बी का वैल्यू, तो मोड निकालने के लिए मैंने दोस्तों यहाँ पर सिखाया हूँ, तो मोड ए इसका मोड निकालेगा दोस्तों इसका, तो मेरा अंडर द रूट सिक्स आया है, आपका भी उतना ही आएगा। मोड बी का वैल्यू निकाली दोस्तों, तो मेरा भी अंडर रूट सिक्स आया है, आपका भी उतना ही आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फार्मूला से दोस्तों जानते हैं कि इतना का वैल्यू मेरा इतना आया है और मोड ए का वैल्यू अंडर रूट सिक्स आया है एंड मोड बी का वैल्यू अंडर रूट सिक्स आया है, और कॉस थीटा रह गया थ्री इक्वल टू और रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स होगा सिक्स और कॉस थीटा हो गया, तो थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों वन बाई टू, कॉस थीटा बराबर दोस्तों वन बाई टू हो जाएगा, और थीटा का कौन सा डिग्री वन बाई टू होता है, तो जानते हैं दोस्तों कॉस 60 डिग्री बराबर होता है दोस्तों वन बाई टू, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों 60 डिग्री, ये आ गया दोस्तों आपको एंगल उन दोनों एंगल के बीच का। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए है, यह प्रश्न आप सॉल्व करेगा। यह प्रश्न में यह कहा गया है कि आपको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को परपेंडिकुलर दर्शाना है। कहने का मतलब यह दोस्तों, मेरा जो थीटा बराबर यहाँ 60 आया था, आपको थीटा बराबर कितना आना चाहिए? 90। तो आप इसे सॉल्व आसानी से कर लीजिएगा, ये मुझे विश्वास है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब फोर्स एफ बराबर इतना है एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड डिस्प्लेस इट थ्रू डिस्प्लेसमेंट एस बराबर इतना, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स। ये दोस्तों वर्क डन निकालने के लिए बोल रहा है, जबकि एफ बराबर दिया हुआ है इतना एंड एस बराबर दिया हुआ इतना। तो हम लोग पढ़े वर्क डन बराबर क्या होता है दोस्तों, एफ इंटू एस। तो सिंपल सा जो सेकंड वाले मेथड है जो मैंने प्रीवियस बताया हूँ, उससे इसे सॉल्व करिए दोस्तों। तो क्या था दोस्तों, एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। तो एक्स इंटू बी एक्स, तो ए एक्स क्या दोस्तों 4, और बी एक्स क्या दोस्तों 11। तो 11 इंटू 4 यानी कि 44। ए वाई इंटू बी वाई, ए वाई कितना दोस्तों 1, बी वाई कितना दोस्तों 11। तो 11 इंटू 1 यानी कि 11। अब ए जेड इंटू बी जेड, तो ए जेड कितना दोस्तों 3, और बी जेड कितना दोस्तों 15। तो बचती आई 45। तो इसको आप लोग सम करिएगा तो दोस्तों 100 न्यूटन मीटर आएगा, जिसकी इसका यूनिट है जूल। तो इसका जूल में आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाया गया टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहे इस वीडियो सीरीज को। धन्यवाद।